विपक्ष की आलोचना और वॉकआउट के बीच आरटीआई संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। विपक्ष की तरफ से बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पर मत विभाजन हुआ और परिणाम सरकार के पक्ष में गया। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी आरटीआई संशोधन बिल पास हो गया। गुरुवार को बिल को पास करवाने को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की तरफ से बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग पर मत विभाजन हुआ। मत विभाजन पर्ची बांट कर किया गया, लेकिन इस दौरान गलत तरीके से वोटिंग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में मत विभाजन का परिणाम सरकार के पक्ष में गया और बिल के पक्ष में 117 और विरोध में 75 वोट पड़े। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इस बिल का पहले से विरोध कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए सूचना का अधिकार कानून को कमजोर करना चाह रही है। उधर सरकार ने आरटीआई कानून को कमजोर करने के पक्ष में आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी और सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में आरटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।